सब्सक्राइब माई चैनल नाजी किचन एड। ड्रैगन चिली बनाने के लिए हमें चीजें चाहिए। बोनलेस ली है हमने, 1 ब्रेस्ट पीस है तकरीबन 500 ग्राम्स। ये प्याज ली है मैंने, एक अदद दरमियानी साइज की प्याज, उसको आप इस तरह से काट लें क्यूब्स में। एक अदद शिमला मिर्च है, ये भी येलो शिमला मिर्च है, येलो बेल पेपर, ये भी मैंने एक ली है और इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर 2 टीस्पून, मैदा ऑल पर्पस फ्लावर 2 टेबलस्पून, ये ड्राई रेड चिलीज हैं, 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और हम ये लेंगे सोया सॉस तकरीबन 1 टेबलस्पून, और चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून। अब इसको कैसे बताना है मैं आपको बताती हूँ। चिकन को हम सबसे पहले मैरिनेट कर लेंगे। इसमें सबसे पहले जाएगी जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट। हम ये लाल मिर्चों को अभी बचा लेंगे, अभी ये हम ऐड नहीं करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टीस्पून सॉल्ट दिया था मैंने। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्चों को ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब इसमें जाएंगी ये काली मिर्चें, और ये हमने लेना है 1 टेबलस्पून सोया सॉस। और ये चिली गार्लिक सॉस जाएगा 2 टेबलस्पून, 1 इन सब चीज़ों को हम मैरिनेट कर लेंगे। अच्छी तरह ये जब सारा मिक्स हो जाए, एंड में हम ये दोनों चीज़ें डालेंगे, मैदा और अपना कॉर्नफ्लोर। ये सारी चीज़ें डाल के मैंने मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना कॉर्नफ्लोर, और ये है मैदा। अब इसको भी डाल के हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको हम मैरिनेट करके रख लेंगे। ये सारी चीज़ें हमारी मिक्स हो गई हैं, अब हम इसको आधे घंटे के लिए, हाफ एन आवर के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन आधा घंटा हम इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन आधा घंटा हो गया है, इसको मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया था, अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए मैंने ऑयल लिया है, इसको अच्छी तरह आप गर्म कर लें, नाइस एंड हॉट। अब हम इसमें चिकन को फ्राई करेंगे। ये सारी चिकन हम इसमें ऐड कर लेंगे, इनको हमने फ्राई करना है। ये चिकन हमारी फ्राई हो गई है। अब हमने ये पैन लिया है, नॉनस्टिक पैन ऐसे लिया है, इसमें मैंने तकरीबन 2 डोंगे के चमचे ऑयल डाला है। अब हम इसमें डालेंगे ये फाइनली चॉप गार्लिक तकरीबन 1 टेबलस्पून। फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे और इसमें हम फ्राई करेंगे सबसे पहले गार्लिक, और फिर हम अपनी सारी वेजीज फ्राई करेंगे। हम गार्लिक को फ्राई कर लेंगे, अब हम इसमें डालेंगे अपनी ये शिमला मिर्चें, ये येलो बेल पेपर, इसको हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे, और फिर हम डालेंगे अनियंस। ये देखिए शिमला मिर्च का कलर चेंज हो रहा है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए फिर हम अपने डालेंगे अनियंस। अब हम डालेंगे ये अनियंस,
इसको हम वेजिटेबल्स को सौते कर लेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें सॉल्ट और ऐड करेंगे वेजिटेबल्स के लिए। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, वन टेबल स्पून जाएगा इसमें सोया सॉस, वन टेबल स्पून इसमें जाएगा चिली गार्लिक सॉस। आप अपनी मर्जी से अपने टेस्ट के हिसाब से सॉसेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये ड्राई रेड चिलीज की, तकरीबन हमारी वेजिटेबल्स सौते हो गई हैं। अब इसमें जाएगी ये ड्राई रेड चिली और इसमें जाएगा वन टेबल स्पून केचप। ये वेजिटेबल्स हमारी सौते हो गई हैं। अब हमने ये जो चिकन को फ्राई करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक आपने ज़रूर देना है। इसको हम 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। चिकन हमारी डन है, 5 मिनट्स का इसका दम दे देंगे। ये देखिए हमारी ड्रैगन चिकन रेडी है।